हर दरवाजा जो बंद हो
आपको अपनी जिंदगी में जिस दिन हम लोग खुदावन को जिस दिन अपनी जिंदगी में पूरे दिल के साथ वेलकम करेंगे, हमारे खुदावन हमारी जिंदगी में खुशियों को भी पूरे दिल के साथ हम लोगों में जो कहते हैं डिवाइड कर दे, बांट दे। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावन के हजूर लाए। बहुत से दिल बहुत सी जाने ये सोचती हैं कि हम अभी ठहर के जाते हैं, अभी इबादत शुरू नहीं हुई, अभी कलाम शुरू नहीं हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात आप याद रखें, प्रस्तिश और हम ये भी इबादत का हिस्सा है, ये भी उस खुदावन की तारीफ करने का एक हिस्सा है। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से चुराने को अपने बेटे को कुर्बान किया। अब गाए हो शहनाई, तू राजा आपके ऊपर हाथ बढ़ा के।
हालेलुया। वो खुदावन आपको हाथ बढ़ाकर बचाता है। सिर्फ फर्क ये है कि हम खुदावन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते खुद को बचवाने के लिए, क्या मैं खुदावन बचा ले, मैं तैयार हूं कि तू मुझे बचाए। हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम और दो कदम पीछे हो जाते हैं। कहीं ये ना हो कि खुदावन मुझे बुलाए और मैं ना जाऊं। लेकिन मेरे अजीजों, आज आपका कदम उठाना जरूर है। आज जरूर है कि हम खुदावन की तरफ बढ़ते जाएं। आज जरूर है कि हम अपना आप खुदावन को दें। हमारे पास बहुत से बहाने होंगे खुदावन के घर में ना जाने के, इसी तरह खुदावन के पास भी बहुत से बहाने होंगे हमें बरकत ना देने के। तो क्या चाहते हैं, आपके बहानों का सिलसिला चलता रहे और खुदावन भी आपसे परे होता जाए। मैं एक बात का ऐलान करता हूं कि अगर कोई भी हमारे साथ 8 बजे की प्रेयर में अगर कोई आवाज सुनता है, गली में बाहर कोई भी आवाज सुनता है, अगर 8 बजे की लाइव प्रेयर में कोई भी आकर हमारे साथ यहां बैठकर दुआ करना चाहे वो आ सकता है। ये नहीं कि ये लाइव प्रेयर में कोई दूसरा शामिल नहीं हो सकता। हमारे साथ यहां पर हमारी बहनें भी आकर बैठती हैं कलाम के वक्त पर लाइव में, हमारे भाई भी आकर कुछ बैठे रहते हैं। तो आप भी अपने, अगर आपको लगता है कि यार मैं सफरी हूं, मोबाइल के साथ खेलने से बेहतर है, लाइफ को कहीं और स्पेंड करने से बेहतर है कि हम उस वक्त को खुदावन को दे दें। आप 8 बजे से 9 बजे तक की हमारी लाइव प्रेयर होती है, आप हमारे साथ शामिल हो और खुदावन के कलाम की बरकत हासिल करें। हम एक कोर्स गाएंगे, कोर्स के बाद हम कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। हालेलुया।
हमारा आजमत है कि हम अपने रोगों से अपनी बीमारियों से शिफा चाहते हैं। तो इस बात को याद रखें कि आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी उसके साथ जो आपको सेहत याब करना चाहता है। अपनी जिंदगियों को बदल सकता है। प्यार में सारे
उसे माना ही नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि हम खुदावन को प्रणाम देना नहीं चाहते। आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है। मैंने आपसे कहा था कल लाइव मीटिंग में भी कि इस बार हम एबार 19 बाब को कंप्लीट करेंगे और एबार 19 बाब को कंप्लीट और पूरा करने का मकसद है कि जो हम सोचते हैं कि 10 ही हुक्म है। तो मेरे अजीजों, एबार 19 बाब पढ़ें या एबार ही पूरा पढ़ लें तो आपको हुक्म ही मिलते रहेंगे। आमतौर से वो 10 जो है हम कहते हैं जी खुदा के 10 हुक्म है, लेकिन यहां पर हर एक लाइन के बाद खुदा कहता है क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, जो मैं कहता हूं वो ही करो। हमने अपनी जिंदगी में अपनी परेशानियों के बुत बना लिए, अपनी सहूलतों के बुत बना लिए, हमने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी की जितनी चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी में वेलकम किया, लेकिन खुदा को नहीं किया। आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे एबार उसका 19 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंत के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे एबार उसका 19 बाब उसकी 4 आयत। तुम बुतों की तरफ रजू ना होना और ना अपने लिए ढाले हुए देवता बनाना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। एबार 19 उसकी 4 आए, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। तुम बुतों की तरफ रुजू ना होना और ना अपने लिए ढाले हुए देवता बनाना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। ऑर्डर, फिर से एक ऑर्डर, जिन ऑर्डर्स को हम कहते हैं क्यों यार खुदावन ने 40 हुक्म दिए हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदावन ने 40 हुक्मों के अलावा भी हमारी जिंदगी में बहुत से अहकाम दिए हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलने चाहिए ताकि हमें बरकतों से मालामाल किया जाए। यहां पर एक बात लिखी है, तुम बुतों की तरफ रुजू ना होना। आज हम लोग अपने ही बनाए हुए देवी देवताओं को मानते हैं। हम कहते हैं जी मैं मसीही हूं, लेकिन मसीही होने के नाते भी हम अपने ही देवी देवता बनाकर बैठे हुए हैं। किसी ने अपनी बीमारी को देवी बना लिया है कि हाँ जी मैं तो इससे निकल ही नहीं सकता, निकल नहीं सकती, और हम उसकी रज के प्रस्तुति करते हैं। हम ये मानते ही नहीं कि हमारा खुदावन हमें छुड़ाएगा। कोई कहता है मैं काम से छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मालिक मुझे डांटेगा, तो हम मालिक को अपना देवी देवता बना लेते हैं, अपने खुदा पर यकीन नहीं रखते। कोई कहता है हम नहीं गिरजे जाइए या पैसे कमा के घर ले रोटी लाइए। अब हमने क्या किया, हमने पैसे को अपना देवी देवता बना लिया। मैं यहां पर कुछ चीजें मेंशन भी करना चाहूंगा। कुछ चर्चेज में आज भी मुजस्मे बने हुए हैं। उन मुजस्मों का मकसद यह नहीं कि जाए और उनको सजदा करें, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है और ना ही हमारे लिए उनका कोई ऑर्डर है। वो एक शबी बनी है, लेकिन हम लोग जरा हिंदू दिमाग रखते हैं शुरू से, क्योंकि पाको हिंद शायद आज मैं माइक में थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताता हूं। जब पाको हिंद में क्रिश्चियन आए, मसीही आए, रोमन कैथोलिक आई, तब ये ना पाकिस्तान था ना हिंदुस्तान था। तब रोमन कैथोलिक ने इनके लिए इबादत गाहें बनाई, ये लोग मसीहत की तरफ रुजू लाए, लेकिन ये मसीहत को छोड़कर फिर जाकर तो देवी देवताओं को पूजते थे, क्योंकि कहते थे कि हमें उनकी शक्ल नजर आती है। फिर पाको हिंद से ये एक ट्रेंड चला कि यहां पर देवी देवता बनाने शुरू कर दिए, मतलब कि मुकद्दसा मरियम और खुदा यीशु मसीह का एक स्टैचू बना दिया गया। और उन लोगों ने, हिंदुओं ने जब अपने क्रिश्चियनिटी को अपनाया तो उन्होंने कहा हाँ जी
इनका भी कोई खुदा है, जबकि ये एक बार उठाया हुआ गलत कदम सबके लिए गलत हो गया। अब आज तक 100 साल बीत चुके हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, कि हम उसी कई चर्चिस में हम आज भी झुकते हैं और प्रस्तुति करते हैं बुतों के आगे, जबकि यहां पर एक बात साफ लिखी है, तुम बुतों की तरफ रुझू ना होना और ना अपने लिए ढाले हुए देवी, अपने लिए ढाले हुए देवता बना। मतलब कि खुदा अगर चाहते हो, खुदा की वो पानियों पर झुमश करती थी, हम घर में पानी का गिलास रखकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, खुदा की रूह पानी में झुमश करती थी, खुदा की रूह झाड़ी पर रूनमा हुई आग की सूरत में हम क्या आग लगा ले, खुदा की रूह खुदा यीशु मसीह के अंदर थी, हम उसका कलाम नहीं सीखते, खुदा की रूह हमारे अंदर है, हम नशा करते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करते जो खुदा कहते। हमारी रूहें उन बुतों की तरफ है जो हमें सुकून देती हैं, पैसा, रुपया, पैसा वो एक ऐसा बुत है जो इंसान के अंदर का ईमानदार मार देती है, जरूरत एक ऐसा बुत है जो इंसान के अंदर की तकलीफों को इतना बढ़ा देती है कि वो गुनाह की तरफ चल पड़ता है और वो गुनाह को अपना बुत बनाकर पूज देता है। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदावन की तरफ अपने आप को मायल करेगा, उसकी तरफ अपने आप को लगाएगा और उसी को, उसी खुदा की जात को अपना देवी देवता मानेगा, वही बरकत पाएगा। मतलब कि खुदावन खुदा ने अपना पुत्र नहीं बनवाया, अगर खुदा चाहते तो, अगर उन्होंने हमारी सांसों में दम दिया तो वो चाहते तो अपना पुत्र बनवा सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि हम गुनेगार लोग हम बुतों को पूजना शुरू करेंगे लेकिन खुदा के अहकाम तो नहीं मानेंगे। मेरे दोस्तों, ये भी एक बात क्लियर है, अभी चंद दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा, क्या ये जो हम क्रॉस लगाते हैं ये बुत नहीं है, ये एक निशान है, ये एक निशान है, ये बुत नहीं है, ये निशान है, ये हम अपने हाथ से डिजाइन बना भी लेते हैं, और लेकिन हम इसको ये तो नहीं करते कि हम इसको उठा के कहते हैं यही मेरा खुदा है, एक निशान है, निशान में और खुदा में फर्क है। इसी तरह मेरे अजीजो, वो कहता है कि अपने ढाले हुए, हम अपने ढाले हुए बुत बना के बैठे हैं, अपने बीमारियों के, अपनी तकलीफों के, अपनी लाचारी के, अपने लालच के, ये बुत है आज की दुनिया के। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि पास्टर साहब ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं ने बुत बनाए हैं। मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं अपनी मसीहियों की बात करता हूं। हम मसीही होने के नाते खुदा से दूर हैं और खुद को मसीही कहते हैं। हमारी जिंदगियां कलाम पर नहीं चलती, हम खुद को मसीही कहते हैं। हमारी जिंदगियां अपनी मर्जी से चल रही हैं और हम खुद को मसीही कहते हैं। क्या हम मसीही हैं? हम पूरे मसीही नहीं हैं। हम उन 10 अहकाम के बारे में सोचते हैं और अहबार की ये किताब आपको हुक्म पर हुक्म देती है, क्योंकि हम वो लोग थे और वो लोग हैं जो सिर्फ उन 10 हुक्मों पर चल पड़ेंगे और बाकी खुदा के हुक्मों को छोड़ देंगे। हम खुदा के बाकी हुक्मों को छोड़ देंगे जो हमें मोहब्बत सिखाती है, जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, हम उसी को छोड़ देंगे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाएंगे। मेरे अजीजों, आज भी अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करें। अब वेलकम कैसे करें, ये भी सवाल आ जाता है। बीमार से कहो कि भाई घर जाके दुआ करना, तुम सेहत याब हो जाओगे, और जैसे पलटेगा वो साथ ही कहेगा मेरे को वाजी कोई दुआ कर दे, मैं बीमार हूं भाई साहब तेरी नहीं है। लेकिन मेरे अजीजो, बीमार के लिए ये अल्फाज इसलिए होते हैं
कि वो अपने ईमान को मजबूत करे, कि वो अपने ईमान को मजबूत करे कि खुदावंद खुदा उसको छुड़वाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, अजीब बात यह है कि हम फिर भी, हम जैसे ही अपने लिए दुआ करवाते हैं, हम अपने अंदर शक का बुत बना के निकल जाते हैं। पता नहीं, और बड़े पादरियों को दुआ करवाइए, खुदा ने तुम्हें बरकत नहीं देती। ये भी एक बुत है, शक का भी एक बुत है, जिसको आप पूजते हो, जिसको आप छोड़ते नहीं। आज बुत में बात होगी तो बुत बड़े निकलेंगे, आज बड़े बुत निकलेंगे। वो जनाब मेरे घर से पैसा कोई नहीं, मैं काम से जा रहा, ठीक है अगले बार आ जाएंगे चर्च, पैसे का बुत। मेरे कजन की शादी है ते ओ असी जनाब कहीं तो टाइम टाइम निकलना इस गलो, और शादी कितने वे फाटक शादी और इतने चर्च नहीं करना, क्यों? क्योंकि असी शादी ते जा रहे हैं। तो क्या है कि हमने वो शादी को बुत बना लिया, हमने खुदा को छोड़ा और उसको पूजने और उसकी एंजॉयमेंट के लिए तरह तरह चढ़ पड़े। मेरे घर में मुझे इस चीज की जरूरत है, उसके लिए मैं ये करता हूं, उस चीज का बुत बना लिया। यहां पर हर वो चीज जिसको आप खुदा से ज्यादा खास जानते हो वो बुत बनती है। ये बात याद रखें, हर वो चीज जो आप खुदा से ज्यादा खास जानोगे वो क्या बनेगी? बुत बनेगी। मेरे जीजो, लास्ट जब हम गली में प्रेयर करवाते थे, हर मंगल मैं रोजा रखता था, लेकिन बीच में जो क्रिसमस के दिन थे मैं नहीं रख पाया मंगल का रोजा, लेकिन अब हमने दोबारा से वो मैंने अपनी रूटीन, और अभी थोड़े दिन पहले दो दिन मैंने जब रोजा रखा, फिर मैंने मंगल का रखा। तो मैंने क्यों रखा कि खुदावंदा मैं उन परेशानियों को अपना बुत ना बना लूं, मेरा बुत ना कोई दुनिया में बन सके और ना मैं किसी के आगे झुकूं, क्यों मैं परेशानी के आगे झुक जाऊं, टूट जाऊं, बल्कि बाप तू मुझे मजबूत कर, क्योंकि दुनिया में एक वाहिद बुत नहीं है और वो खुदा का बुत है, और हर कोई उसके आगे चलता है। और खुदा चाहता तो अपना बुत बनाता, लेकिन खुदा ने अपना कोई बुत नहीं बनाया। खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, बुत नहीं है। खुदावंद ने आग की सूरत में मूसा पर रूनुमा हुआ झाड़ी पर, और झाड़ी हरी, कैसी बात, झाड़ी जाली नहीं रही और आग लगी हुई है, यह भी खुदा था। खुदा ने अपने आप को आपके लिए बुत बनाने के लिए पेश नहीं करना, उसने आपको और हमको बदलने के लिए आपकी जिंदगियों में अमल दखल शुरू किया। एक शागिर्द ने पूछा कि खुदावंद ये अंधा है तो क्या इसके बाप दादा की सजा है या इसकी? तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, बल्कि इससे खुदा का जलाल जाहिर होगा। मतलब कि कई बार जिन परेशानियों को हम अपने लिए बहुत खास जान लेते हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं लो जी अगर आज मैं कहीं चला गया तो पीछे मेरे घर दे जी कौन पूछेगा। लेकिन अगर आप खुदावंद पर अपना सारा फिक्र डाल दो, कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत है पत्रस पांच बाब उसकी सात आयत, अपना सारा फिक्र उस पर डालो क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है। कभी डाल के देखे अपनी फिक्र खुदावंद पर, वो आपको संभालेगा, पर उसका बुत कोई नहीं। घर के माली हालात ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मैं खुदावंद के बारे में कभी बुरा नहीं कहूंगा, तो वो आपके हालातों को बदल देगा, लेकिन क्या करें उसका बुत कोई नहीं। कई नबियों ने ख्वाहिश की, मैं तो आज एक चीज से हैरान हूं, कैसे कोई पास्टर कह देता है मैंने ख्वाब में खुदा को देखा, कैसे कोई बंदा कह देता है मैंने खुदा को देखा। मूसा नहीं देख पाया, उस दौर का कोई नबी नहीं देख पाया, तो आज दुनिया में रहते हुए कैसे कोई पास्टर खुदा को ख्वाबों में देख रहा है? इतना नूरानी चेहरा कि आंखें अंधी हो जाएं, और
हम कहते हैं, दावा करते हैं, हमने खुदा को देखा, हमारे ख्वाब में खुदा आए और खुदा ने कहा कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मैंने खुदा को देख लिया और सुबह उठकर हम गैर जुबाने बोलते हैं लेकिन दिल में फतूर रखते हैं। लेकिन जो हमारा खुदावंद खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, वो आपको फिर यही कहता है कि जो तुमसे नफरत करे, जो तुमसे अदावत रखे, उसके लिए दुआ करो। ये वो खुदा की बातें हैं जिसके बुत नहीं है। सोचे कि उसका बुत नहीं है तो ऐसे काम होते हैं, तो अगर उसकी कोई छवि मिल जाती तो हम लोग तो बदल ही जाते, हमारी जिंदगियां बदल ही जाती, क्योंकि हम उसको देख लेते जिसने हमें और आसमान और जमीन को तकलीफ किया। मगर मेरे अजीजो, असीं मीसने आ, जदों जरूरत होंगी असीं खुदा दी जय जयकार करने आ, जदों जरूरत नहीं होंगी उदों खुदावंद नूं पूरा कहने आ। हमारा खुदावंद तू बेनियाज है, तू मेरी तकलीफों को याद रखता है, तू मुझे रुपया पैसा देता है। आमीन। अब हालात खराब हो गए, अब कहा खुदावंदा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने मुझे छोड़ दिया। फिर आमीन, और बुरी बात पर भी आमीन करते हैं और अच्छी बात पर आमीन करते हैं कि खुदावंद ऐसा ही हो, तो क्यों ना आप ये कहो कि खुदावंद मैंने ये दुनियावी बुत ढा दिए, रुपए पैसे का लालच खत्म कर दिया, मैं मोहब्बत करता हूं तेरे कलाम से, तेरी कुदरत से, क्योंकि तेरी कुदरत ही मुझे भड़ा कर लोगों के सामने नहीं बल्कि तेरे सामने एक चमकदार सितारे की सूरत में दिखाएगी। हमें यहां पर क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बहुत से लोग जब मैं दुआ करूं तो गिर जाएं, स्लेन स्लेन कहते हैं, स्लेन हो जाए, गिर जाए। क्यों गिरे? क्यों गिरे? स्लेन क्यों हो? वो कहता है उठो चल भी। हम क्यों गिरे? हम नहीं गिराएंगे बल्कि हम खुदावंद के नाम में कहेंगे उठो चल फिर, क्योंकि उस खुदावन ने गिराना नहीं बल्कि उठाना सिखाया। उस खुदावन ने मुर्दे में जान डाली ना कि मुर्दा मुर्दा ही रह गया। तो हमेशा अपने घरों में, अपनी जिंदगी में इन परेशानियों के बुत ना बनाओ कि तुम गिर जाओ। यह वो वाला गिरजा नहीं है जैसे कुछ लोग कह देते हैं जी, हम मसीहों के लिए गिरजा लफ्ज जो है ना, गिरजा मतलब चर्च, इसका मतलब है गिर जा। हम गिरजा वाले गिरजा नहीं है, हम वो गिरने वाले गिरजा नहीं है, हम मसीही कौन है। और खुदावंद ने हमें उठ खड़ा किया अपनी जान का नजराना देकर और हमें उन गुनाह की दलदलों से निकाला, इसलिए हम गिर जा नहीं बल्कि हम उठ जा है और यीशु के नाम में उठ जा। अब हमें बुतों की जरूरत नहीं है, इन परेशानियों की, ओहो मैं ये क्या करूं, ये खुदावंद इस दिन मेरे बेटे की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है। छोड़ो यार इन पैसों को, पैसा क्या चीज है? आपने कभी ये मांगा कि ओहो खुदावंद मेरे बेटे की शादी है, उस शादी में तू शामिल हो। ओहो खुदावंद मैं बीमार हूं, मुझे शिफा दे दे। ओ नहीं खुदावंद मैं बीमार भी हूं तो तू मेरे साथ है, मैं फिर भी ठीक हूं। ये चीजें नहीं सोचते हम। ओए खुदावंद मैं गरीब हूं, ओ मेरे खुदावंद मैं गरीब हूं, मुझे पैसा दे। और खुदा फिर नहीं। मैंने जब भी देखी फरियाद देखी, दार का मुंतजर रहा, बाइबल में लिखा है। इनिया जंगल लड़ते रहे, खुदा उनके साथ रहा और फिर मांगते रहे खुदावंद मुझे दे खुदावंद। तब खुदावंद ने कहा कि मैं दाद का मुंतजर रहा, लेकिन जब देखी फरियाद ही देखी। हम लोग अपनी फरियादों से, दुआओं से खुदा उनके हजूर झुके रहते हैं और हम खुदा के हजूर नहीं झुकते हैं। हम अपनी तकलीफों को बुत बनाए हुए, हमने रुपए पैसे के बुत बनाए हुए,
हम आज उन लोगों को कहते हैं जो लोग गैर मजहब जो मतलब हिंदू है उनको हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों जो ईमान से मांगेगा वो पाएगा, वो बुत से ईमान से मांग कर बुत उन्हें दे देता है। कितनी अजीब बात है ना, वो बुत से ईमान से मांग रहे हैं वो दे रहा है, और हम मसीही जिनके खुदा का ना कोई बुत है और वो कुदरत रखता है, जिनके खुदा का ना कोई बुत है और वो शिफा देता है, जिनके खुदा का ना कोई बुत है और वो मुर्दों को जिंदा करता है, जिनके खुदा का ना कोई बुत है और वो दरिया के दो टुकड़े कर देता है, जिस खुदा का ना कोई बुत है और वो कुंवारी से बच्चा पैदा कर देता है, हम उसी पर ईमान नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारा खुद का ईमान डोला हुआ है। हमने अपने रुपए पैसे बीमारी तकलीफों को वो बुत बना लिया। क्या ये मेरे बाप मुझे कौन छुड़ाएगा? ओहो खुदावंदा मेरी जिंदगी को तू बदलेगा, क्योंकि बाप तू ही है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन बाप मुझे पैसे चाहिए। पैसा, इन चीजों के लिए पैसा चाहिए बाप मुझे। आप कभी अपनी बीमारी तकलीफ में पैसे से हट कर ये बोलो कि खुदावंद मेरे बेटे बेटी की शादी है, मैं चाहता हूं कि जैसे रुकाना गरील की शादी में शामिल हुआ और उनकी तकलीफ को दूर किया, तू भी हमारे घर में इस शादी में शामिल हो। हम यहां पर मेहंदी रखते हैं, दुआ बात चुनती है, पहले डीजे ने गाने लगते हैं, हमारी बारात आती है, जैसे ही बारात एंट्री करती है पिछे टोल टमके रुपये नोट चल रहे होंगे, फिर उसे दो मिनट की मिलनी तो बाद दुआ होती, तो बाद फिर पूरे प्रोग्राम खुदा का नाम ही चलता। बेटी की रुखसती होती है, छोटी सी दुआ करते हैं जी, थैंक यू जीसस कि आप हमारे साथ। लेकिन मेरे जीजू मैं आपको ये नहीं कहता कि वो पूरी इबादत अपने ब्याह जड़ा जरा यसू के नाते करो, क्योंकि तुम करना नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो खुदा उनको दो कि वो आपकी शादी में शामिल हो, आपके साथ वहां बैठा हो और उसकी मां के कहे कि जाओ उनकी परेशानी को दूर कर। हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी परेशानियों के वो बुत बना चुके हैं जिनको हम खुद ही ढाना नहीं चाहते। मारो अपनी ना परेशानियां दे पुत्र ठंडे जो तुम खुद बनाए, खुद ढालो, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि तुसी अपनी परेशानियां उदे अगे रख दो। उसके जिस्म पर एक कम 40 कोड़े। मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि उस दौर में जो कोड़ा बनता था उसके आगे एक कील टाइप चीज बनती थी, वो जब वो खींचते थे तो मांस भी उखेड़ देता था, और फिर कोड़े खाए, फिर कांटों का ताज। फिर उस दौर में सबसे पहली खतरनाक जो सजा दी जाती थी वो सलीब की मौत थी। यहां तक कि सलीबी जंगे हुई कि जो भी सिपाही फाड़ना और सलीब दे दो, टांग दे मार छड़, वो भी उसने हमारे लिए। और सलीब की मौत गुनाहगारों के लिए थी, उसके एक तरफ गुनाहगार और एक तरफ दोनों तरफ सॉरी गुनहगार एक तरफ वो था जो खुदावंद पर ईमान रखता था, और उसने विदाउट टाइम वेस्टिंग उसने अपने गुनाह के तमाम बुतों को ठुड्डा मार के तोड़ दिया मेरे अजीजों। और जिन्हें ठुड्डा मारे खुदा ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम भी आज अभी अपनी तकलीफों को ठुड्डे मारे, अपने घरों से निकाल दे कि खुदावन मैं बीमार हा, मैं लाचार हा, मेरे को पैसे नहीं, मेरे को गुर्बत है। तो जिस दिन आप इन चीजों को घरों से निकाल कर खुदावन को वेलकम करोगे तो तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगे। ऐसे देता है वो आपको शिफा, ऐसे वो आपकी जिंदगी को बदलता है। क्योंकि मेरे अजीजों यहां पर लिखा है तुम बुतों को बुतों की तरफ रुजू ना होना और ना अपने लिए ढाले हुए देवता बनाना। आज के देवता आप समझ ही गए हैं,
कि हमारी परेशानियां और तकलीफें हैं। और ये कहा किसने? मैंने नहीं कहा, ये बात जेन में रख ले, मैंने इतनी बातें की हैं, ये देवी देवता मैं नहीं कहा के नाम ना, जिसने कहा वो कहता है मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा हूं, फुल एंड फाइनल। जिसने कहा उसने ऑर्डर दे दिया, और उसने कहा नहीं बल्कि उसका कहना ही ऑर्डर था। और उसने इसलिए कहा क्योंकि जब घर में बाप अपने बेटे को कोई बात बोलता है तो कहता है बेटा मैं तेरे पे हुआ, मैं तुम कहने ना काम ना करी, ऐसे होता है। और जब वो कहता बेटा कारोबार नहीं जाना आठवें तो बाद, पापा जी मैं दोस्तों जाना है, तो पापा जी आज तक कहते बेटा मैं तेरा पे हुआ बाहर ना जाए। वो दोबारा बहस का स्टॉप, अब इससे आगे बात बेटा ना करे तो बेहतर है। तो यहां पर भी खुदावन ने जब अपना ऑर्डर दे दिया कि बुतों को ना बनाना, तो उसने कहा मैं तुम्हारा खुदावन खुदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब इसका मतलब है कि आज के बाद हमें खुदावन को अपनी जिंदगी में वेलकम करना है, ताकि हम उन बुतों को ढा दें, उन बुतों को फेंक दें, तोड़ दें, जो हमारी जिंदगियों में खुदावन के फजल को आने से रोकते हैं। बाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाय से बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आने वाले मंगल में हम दोबारा से अपनी प्रेयर्स गली में करेंगे, डी ब्लॉक गली नंबर 3, इबादत का वक्त 6:30 का है, और 6:30 हम गली में इबादत करेंगे। आप सबको जो देखते हैं हमें, उनको भी वेलकम है कि वो आए और खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी में लेके जाए, और आज के कलाम के वसीला खुदावन आपके तमाम बंधन तोड़े जो परेशानियों के हैं, उन बुतों को खुदावन ढाए, और आप खुद भी उन बुतों को ढाने के लिए रेडी हो जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदोस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, पहर भर के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है, और हम आज इन तमाम बुतों को तेरे नाम से तोड़ते हैं, बेउलादी को, बेरोजगारी को, बीमारी के बुत को, रुपए पैसे की कमी के बुत को यीशु नाम से तोड़ देते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, क्योंकि बाप तू ही है जो इन बीमारियों जैसे गंदे बुतों को तोड़े। हम खुद से इन बुतों को तकलीफ करते हैं, रो रो कर इन बुतों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि इन बुतों को कोई तोड़ ना पाएगा। लाइलाज बीमारियों को हम सोचते हैं कि ये तमाम लाइलाज बीमारियां कोई शख्स नहीं जो इसको बाप जो आसमान पर है, जो तमाम दुआओं को सुनता है, कबूल करता है, तू ही है जो हमारी जिंदगी को बदलता है, तू ही है जो हमारे साथ मिलकर हमें कुवत देता है, तू ही है जो हमें हिम्मत देता है कि हमें लालच के बुतों को तोड़ दे, बीमारी के बुतों को तोड़ दे, जिस्म के दर्द के बुतों को तोड़ दे, गले के प्रॉब्लम, गले के अंदर जख्मों को यीशु के नाम से दूर करे, उस बुत को तोड़े, बेरोजगारी रुपए पैसे की कमी के बुत को यीशु के नाम से तोड़े, इस हर्निया की बीमारी को यीशु के नाम से दूर करे, इस लाचारी को यीशु के नाम से दूर करे, बेउलादी को यीशु के नाम से दूर करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर करे। बहनों के पास बेटे जैसी नेमत की ख्वाहिश है, ऐ जिंदा कदूस खुदा, खुदा इन बहनों को बरकत दे कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, उनको मुहैया कर कि वो जो जो शुक्रगुजारियां अपने दिलों में रखनी है वो शुक्रगुजारियां भी पूरी कर सके। ऐ मेरे जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ बेटी महक के लिए, उनको बेटे जैसी नेमत दे, बहन साय, बहन सोनिया के लिए, उनको बेटे जैसी नेमत दे, सिस्टर महानूर के लिए उसकी जिंदगी में
अच्छा जीवन साथी हो। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ अपने साथियों के लिए कि जो भी जहाँ तक जिस जगह भी है जिंदा के दोस्त नाम का सबसे लाल का बरकत दे। हमारी बुजुर्ग प्रवीण के लिए उनके गले के तमाम हम शुक्र गुजार है अपने भाई जिन्होंने हमारी गली को प्यार करवाने हुकूमत के आगे तमाम कामों को छोड़कर पहले हमारी गली को तामीर कराया। इस घर में जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए तेरे हुजूर झुकता हूँ। उनको सेहत याबी तंदुरुस्ती दे, हमारी बहनों को सेहत याबी तंदुरुस्ती दे, उन बच्चों को जो तालीम की तरफ अपने आप को रुजू रखते हैं उनकी तालीम में बरकत डाल। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, इस कोरोना वायरस जैसी वबा को यीशु के नाम से दूर करते हैं, यीशु के नाम से दूर करते हैं, यीशु के नाम से दूर करते हैं। अरे लाती वबाओ बीमारियों तुम्हें यीशु के नाम से दूर करते हैं। इन गंदी लानती तस्वीरों के बुतों को ढाते हैं, हम बेटा पंटी के लिए दुआ करते हैं, आप उसके जिस्म में से इन बुतों को निकाल दे, लानती तस्वीरों को निकाल दे और वो तमाम लानती तस्वीरें सुअरों में जाए। अरे मेरे चाहिए इस जगह पर पाक तेरा फजल और हाथ चाहिए, कुवत बख्श अपने बंदा को, अपने बंदा के साथ हो, कुवत बख्श कि बाप जिनके लिए दुआ करते हैं वो दुआएं तेरे हुजूर महबूब की माने जाए, तू हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। तमाम दुआएं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम आने वाले मंगल हमारी मीटिंग डी ब्लॉक गली नंबर 3 में की जाएगी, जिस तरह के नवंबर के महीने में होती थी, दिसंबर के महीने में हमारी जितनी गली थी वो सारी दोबारा रेनोवेशन हुई है, जिसकी वजह से गली टूटी हुई थी। अब हम दोबारा से उसी सिलसिले को जारी रखेंगे, खुदा उनके कलाम और उसकी हम तो सलाह करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप सब भी आए, जो बहन भाई यहाँ लाहौर में रहते हैं और जो चाहते थे कि हम मंगल की मीटिंग स्टार्ट करें वो आ सकते हैं। हम दोबारा से अपनी मीटिंग का आगाज करेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरों का फजल, पाकरों की फाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आपके घरानों में रहे और तमाम परेशानियों के बुत टूट जाए, क्योंकि तुम्हारे घरानों में आज से खुदा का पाकरू रहेगा, आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, मंगल की मीटिंग 6:30 बजे डी ब्लॉक गली नंबर 3 में यौहानाबाद में होगी, और मेरे अजीजों आप सबको हम दावत देते हैं कि आप दोबारा से हम मीटिंग शुरू करते हैं, आप जरूर आए। खुदा उनकी हम करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं, खुदा उन आप सबको बरकत दे, आमीन।